एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और फन होने वाली है। आज हम बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज हम ट्राई करेंगे अमेज़न के वियर्ड प्रोडक्ट्स। तो मैं अमेज़न से बहुत सारी चीजें मैंने मंगवा ली है, बहुत ही वियर्ड वियर्ड तरीके की। आई होप आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मैंने इस बार ही ना काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा वियर्ड सी चीजें ऑर्डर करी है। एंड वी विल सी के क्या वो काम करती है कि नहीं करती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट से ट्राई करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहली चीज, मैं सीरियसली वेट कर रही हूँ कि कब मैं वीडियो बनाऊ एंड इस चीज को ट्राई करूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मस्त और फन सी लग रही है। यू गाइस नो कि मुझे हेयर कलर का कितना ज्यादा शौक है। यू कैन सी मैंने यहाँ पे भी ग्रीन कलर करा रखा है अपने बालों में। सो मैंने कुछ ये ऑर्डर करा था। सो दीज आर दी हेयर कलर कॉम। तो ये ना एक कॉम के पैटर्न में आता है एंड इसके अंदर ना ऐसे कलर्स दिए हुए हैं। सो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने बालों में ना ऐसे ऐसे इसको रब करना है एंड इट इज सपोज टू कलर योर हेयर। इस तरीके से इसकी कैप आती है, तो पहले मैं उसको रिमूव करके रख देती हूँ सारे, तभी आपको कलर क्लियरली दिखेगा। A few moments later. So these are these six colors guys. So ये रेड में है, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। सो दीज आर वेरी क्यूट फन कलर। आई थिंक आई विल ट्राई दिस पिंक कलर, क्योंकि आई लव पिंक कलर, मुझे पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक कलर तो आया पर मैंने ढंग से नहीं किया, मिरर लेती हूँ। ओह वाओ, कैन यू सी कलर सच्ची में आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा ना तरीके से करती हूँ, वेट। यार ये तो बहुत ही सही चीज है, अगर जैसे आपको कलर नहीं कराना ना, बट आपको कोई ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपके बाल थोड़े से कलर होंगे, लाइक पार्टी वार्टी में, कोई थीम पार्टी, आपकी ड्रेस के साथ अगर कलर अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। ये तो काफी सही चीज है। मैं दूसरे कलर्स भी ऑफकोर्स ट्राई करती हूँ, बट यार ये थोड़ी सी वैक्सी सी फीलिंग दे रहे हैं। कैन यू सी मेरे हाथों पे भी कलर आ गया, बट देखने में तो ठीक लग रहे हैं। ऑफकोर्स गाइस ये परमानेंट तो नहीं है, ये वॉश करने के बाद डेफिनेटली हटने वाले हैं, बट आई थिंक फॉर द टाइमिंग अगर आपको कोई पार्टी वार्टी में जाना है डेफिनेटली कर सकते हो। सो मैं बिल्कुल ना पतली सी स्ट्रैंड ले रही हूँ। पहले मैंने ना बहुत ही मोटा सा चंक लिया था एंड उसके ऊपर आई एम गोना डू ब्लू कलर। आई थिंक के ब्लू कलर इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, जैसे ये वाला कलर तो बिल्कुल प्रोमिनेंट एकदम वाइब्रेंट सा लग रहा था ना, ये ब्लू इतना नहीं लग रहा। लेट्स ट्राई ग्रीन, ग्रीन शायद दिखे, क्योंकि ग्रीन कलर थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है। डेफिनेटली कैन यू सी ग्रीन कितना अच्छे से प्रोमिनेंटली वाइब्रेंट सा दिख रहा है। लेट्स ट्राई ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज भी ना थोड़ा ब्राइट है। आई थिंक मुझे ऐसा लुक ना 15 अगस्त में करना चाहिए था, ग्रीन और ऑरेंज का, एक काफी मस्त लग रहा है। कैन यू सी मेरा हेयर कितना ज्यादा ऐसे एकदम मस्त सी वाइब आ रही है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फैशन कलर्स का, लाइक इस तरीके से जो कलरफुल हेयर कलर होते हैं, मुझे उनका बहुत ज्यादा शौक है, बट सच्ची बताओ तो इतने ज्यादा गट्स नहीं है कि मैं इस तरीके से इतना ज्यादा कलर्स अपने बालों में लेके घूमू। सो आई थिंक ये ट्रिक बहुत ही ना सही है, कभी भी दिल करे ना ऐसे कर लो एंड यू आर ऑल गुड टू गो। मस्त जाओ, पार्टी वार्टी करके आओ एंड देन आगे बाल धुलो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ओके गाइस, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। This is the ice roller. तो हम सभी को पता है ना कि facial icing कितनी ज्यादा अच्छी होती है, आपकी skin एकदम tight रहती है, आपकी skin firm रहती है, youthful लगती है। So I ordered this. तो ये है ice roller. So this is how it looks like. इसके अंदर ना ऐसे gel की balls type है, तो उसको आप क्या करना है, आपको जैसे इसको freezer में रख देना है and ये बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाएगा and then applied. So icing face के लिए अच्छी तो होती है, but बहुत ज्यादा ना messy हो जाती है, पानी पानी हो जाता है, सारा गीला गीला सा हो जाता है। So this is I think very convenient. इसको just आपको freezer में रखना है, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जब ये बॉल सारी जम जाएंगी ना, देन यू जस्ट हैव टू रोल इट ऑन योर फेस। लाइक आई थिंक 1-1.5 घंटे में इसकी जो बॉल्स थी ना बिल्कुल ऐसे जम गई थी एंड यू कैन सी ये काफी ज्यादा ना ऐसे ठंडा ठंडा सा हो गया। ऊपर से बिल्कुल भी गीला नहीं है, बट अंदर से यू कैन सी के काफी ज्यादा ना ऐसे वाटर का जो वेपर सी बन जाती है वैसी बनी हुई है एंड इट फील्स सो गुड। सो आई थिंक ये 2-3 मिनट्स के लिए सही रहता है, बट द फैक्ट ही इसके जो प्लास्टिक की केसिंग है ना वो बहुत ज्यादा मोटी है, जिसकी वजह से ना जल्दी गर्म हो जाता है। अगर आई थिंक ये प्लास्टिक पतला होता है ना तो
ठंडा ठंडा ज्यादा अच्छा फील होता है, ज्यादा अच्छे से रहता है। आई थिंक ये काफी ज्यादा सही है जस्ट अगर आपको दो मिनट के लिए आइसिंग करनी हो तो। नेक्स्ट चीज ऐसी है जो कि जैसी ऑर्डर आई थी तो रोहित कहता है कि तूने बम क्यों ऑर्डर करे हैं, क्योंकि एक्चुअली दिवाली के बम की तरह ही इसकी पैकिंग लकड़ियां होती नहीं, तो वो ऐसे पटाखे इसके छोटे छोटे पटाखे से होते थे वो लग रहे हैं। बट ऑफकोर्स ये है नहीं, है आई लाइनर्स है, तो मैंने हिली रोडा के आई लाइनर्स ऑर्डर करे थे। तो मैंने ना एक्चुअली इसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनी थी एंड दिस इज हाउ ये पटाखे की पैकेजिंग लुक्स लाइक, ये काफी ज्यादा सही है। सो इसमें ना फोर कलर्स है, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर एंड गोल्ड, एंड आई थिंक ग्लिटर लाइनर के हिसाब से तो मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल मिल गए थे। तो लेट्स ट्राई आउट कि ये वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, इनकी जो शिमर है, ग्लिटरी पार्टिकल्स है किस तरीके के हैं। बाहर से देखने में तो सच्ची बताऊं इसमें बहुत मोटे मोटे चंकी ग्लिटर्स मुझे दिख रहे हैं। वाओ ये सीरियसली बहुत ही सुंदर है यार, लेट मी स्वॉच ऑल ऑफ इट एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ। एस कैन यू सी, इस तरीके से ना इसमें ग्लिटरी सी शिमरी सी शाइन आ रही है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा ना पिगमेंटेड नहीं है, बट इसके अंदर जो शिमरी पार्टिकल्स है, ग्लिटर्स है ना, वो बहुत सारे हैं। तो इसमें कलर ऐसे पे ऑफ बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बट एक हल्का सा ऐसे टेंट आ जाएगा कलर का एंड बट ग्लिटर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे। कैन यू सी कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ इट, कैन यू सी कलर्स कितने ज्यादा ब्राइट और प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं एंड ग्लिटर भी बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा मेटालिक सी शाइन आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी लग रहा है। सो मैंने इसमें ये चीज नोटिस करी कि अगर आप एक लेयर अप्लाई करते हो ना तो आपका बिल्कुल ग्लिटरी ग्लिटरी सा लगता है, अगर आप दो अप्लाई करते हो तो आपका बिल्कुल मेटालिक बन जाता है। अगर 10 में से रेट करना होगा सो आई विल रेट इट 7 जस्ट बिकॉज कि इसकी पिगमेंटेशन वैसी नहीं है जैसी कि बॉटल में दिख रही है, बट अदर देन दैट आई विल डेफिनेटली यूज इट, मुझे तो काफी अच्छा लगा। सो मैंने एक और चीज अमेजोन से ऑर्डर करी थी जो कि मैं एक्चुअली ट्राई करना चाहती थी, दिस इज द मिनिसो का परफ्यूम। सो मैंने काफी ज्यादा ना तारीफ सुनी थी मिनिसो के परफ्यूम्स की, दिस वन इज लॉलीपॉप पिंक एंड दिस इज द बॉटल। आई जस्ट लव 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 हाउ क्यूट दिस बॉटल इज, काफी ज्यादा पेस्टल और बेबी पिंक सी इसकी पैकेजिंग है। बट अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें, बहुत ही ज्यादा ना इसकी स्वीट सी स्मेल है। अगर आपको उस टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद है, लाइक स्वीट सी कैंडी टाइप की फ्रेग्रेंस, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इस टाइप की नहीं पसंद है, मुझे थोड़ी सी फ्लोरल और एक्वा इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं, तो ये वाली थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी, बट इट टोटली डिपेंड्स। तो टू बी ऑनेस्ट ये मेरे टेस्ट का परफ्यूम नहीं है, बट स्टिल इट लुक्स क्यूट। अगर स्टे की बात करें तो 5 to 6 hours अच्छे से मेरे ऊपर स्टे करा था, सो आई थिंक ठीक ठाक सा है अगर आपको इस टाइप की फ्रेग्रेंस चाहिए तो, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इट इज क्वाइट अफोर्डेबल। ओके गाइस, नेक्स्ट चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी, अभी भी ये बॉक्स में ही पड़ी है, इज दिस स्पा कैप। तो अगर हम पार्लर्स वगैरह में जाते हैं, सलॉन्स में जाते हैं, पर जब हम स्पा कराते हैं वो बालों के ऊपर वैसे हीटर सा लगता है ना, जिससे कि अच्छी सी स्टीम बनती है और जो भी प्रोडक्ट लगाए होते हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं हमारे बालों में। तो इस तरीके से स्पा कैप है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट पार्ट जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ना, कि इसके अंदर ना ये इस तरीके की ना प्लास्टिक की केसिंग दी हुई है जो कि ऐसे जिपर से रिमूव भी हो जाता है और आप इस केसिंग को वॉश करके दोबारा अप्लाई कर सकते हो। एंड देन इसके साथ आती है एक वायर, से टेम्परेचर कंट्रोलर भी आता है एंड दिस इज दी वायर। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जस्ट इसको प्लग करो, ये एकदम गरम गरम हो जाएगा एंड देन वेयर इट ऐसे। तो उससे क्या होगा, आपने जो भी स्पा प्रोडक्ट्स अप्लाई करे हुए हैं, चाहे आप DIY कर रहे हो, चाहे आप बॉटल वाले अप्लाई कर रहे हो, जार वाले जो रेडीमेड आते हैं वो स्पा अप्लाई कर रहे हो, उससे क्या होगा वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होगा। जब स्टीम बनती है, हीट लगती है आपके बालों में, तो प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट होता है। मैंने इसको गर्म कर लिया एंड डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा अच्छी सी हीटिंग सी सेंसेशन दे रहा है गाइस। तो इसका जो टेम्परेचर है ना उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो इससे एंड ये बहुत ही अच्छी हीटिंग सी सेंसेशन दे रहा है। अभी तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऊट पर डांग सी चीजें लगाई हुई है बालों पे। सो आई एम गोना ट्राई दिस 2-3 times फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। सो नेक्स्ट थिंग जो कि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ क्योंकि वीडियो शूट करनी थी, तो आई थॉट कि चलो ट्राई कर लेते हैं ताकि मैं अच्छे से आपको रिव्यू कर पाऊँ, इज दिस हील एंटी क्रैक सेट। तो ये इस तरीके से ना दो आपको ये मिल जाते हैं, क्या कहूँ इसको, सिलिकॉन टाइप के हैं ये एंड यू जस्ट हैव टू वेयर इट ऑन योर एंकल, जस्ट हैव टू वेयर इट लाइक दिस, ऐसे करके आपको इसको पहनना है एंड इट इज सपोज टू रिमूव ऑल दी क्रस्ट ड्राइनेस और जो भी आपके रफ पैर होते हैं, लाइक जो भी हील्स हमारी क्रैक हो जाती है ये उसको बैटल करता है। सो सच्ची बताऊं तो मैंने इसको 3-4 hours के लिए वेयर किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा हो गया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था इसको पहनने में एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लाइक बिल्कुल भी रिपेयर वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक अगर मैं मॉइस्चराइजर्स वगैरह अप्लाई करके इसको पहनती तो वर्क कर जाता, बट उसका क्या, इसका कोई पॉइंट नहीं है, अगर मैं मॉइस्चराइजर्स वगैरह ऐसे ही अप्लाई करूंगी वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, तो इसका मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा।
बट हाँ अगर जैसे किसी के एड़ी में दर्द हो वो इसको पहन सकता है क्योंकि अच्छा टाइट टाइट सा फील होगा. अदर देन दैट आई डोंट थिंक इसका कोई भी यूज है, बिल्कुल वेस्ट लगा मेरे को. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट चीज इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इज दिस हेयर ब्रश. तो ये ऐसी वैसी मामूली सा ब्रश नहीं है, ठीक है, ये एकदम आपके बालों को ना स्ट्रेट करने वाला है. तो मैं इसे गुंडों की तरह के बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स. ये ऐसा पिंक सा कलर है ना, ये बहुत ही प्यारा है. तो इसके साथ ना ये वायर आती है, सो इससे क्या होगा इसकी जो प्लेट है ना ये गर्म हो जाएगी जब आप इसको प्लग करोगे, एंड जब आप इसे ब्रश करोगे आपके बाल एकदम सीधे सीधे हो जाएंगे. अगर ये वर्क कराना तो ये काफी ज्यादा थम्स अप वाला प्रोडक्ट होने वाला है. एंड ऑल्सो इसके यहाँ पे ऐसे बटन्स भी दिए हुए हैं. फर्स्ट ये पावर का बटन है, देन ये प्लस और माइनस का, लाइक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए. ऑल्सो यहाँ पे स्क्रीन भी दी हुई है जो कि टेम्परेचर शो करती है कि कितना टेम्परेचर होगा. ओके गाइस, ये बिल्कुल गर्म हो चुकी है, 230 टेम्परेचर के ऊपर है. नाउ लेट्स सी कि ये वर्क करता है नहीं करता. लेट मी जस्ट टेक आउट, मैं कलर वाला बिल्कुल भी नहीं टच करूंगी क्योंकि पता नहीं फिर मेरे बाल खराब ना हो जाए. टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरे बाल बहुत ज्यादा ना ऐसे कर्ली तो नहीं है, थोड़े से ऐसे वेवी वेवी से हैं. सो आई एम गोना टेक आउट दिस स्ट्रैंड क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है आई थिंक. सो लेट्स सी के ये वर्क करता नहीं करता. क्या मेरे बाल सीधे हुए? ओ वाओ, सच्ची में ये तो वर्क कर गया. अगर बहुत ज्यादा कर्ली बाल है ना उस पर आई डोंट थिंक ये वर्क करेगा सच्ची बताऊं तो. बट ठीक है, अगर मेरे जैसे बाल है ना तो ये डेफिनेटली इसे फ्रिज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सही है. सो लेट्स ट्राई आउट माय बैंग्स, देखते हैं कि ये सीधे होते हैं नहीं होते. आई थिंक ये बहुत ही जैसे वर्क कर गया है. वाओ, कैन यू सी, लाइक अगर मैं ऐसे करती तो वो बिल्कुल फ्लैट सेट होता. क्योंकि ये ब्रश था, मैंने इसको ऐसे अंदर से किया ना तो ये काफी अच्छे से इसने मेरे बालों को सेट कर दिया, लाइक एक थोड़ी सी वॉल्यूम भी दे दी. आई थिंक ये बहुत ही सही है, बट मुझे भी अपने बैंग्स कटवाने हैं तो प्लीज इग्नोर दैट. बट ये बहुत ही सही है, ये डेफिनेटली वर्क कर गया गाइज. अगर रेटिंग की बात करें तो मैं डेफिनेटली इसको 8/10 दूंगी, जस्ट दैट कि ये बहुत ऐसे गर्म नहीं होता है. ऑल्सो इसकी जो वायर है वो बहुत ही छोटी है. सो मुझे ना एक्चुअली इसको गर्म करके फिर यहाँ पे लाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई वायरिंग का कोई सिस्टम था नहीं. ओके, नेक्स्ट थिंग है लिप्स के लिए, तो मुझे उसके लिए अपनी लिपस्टिक भी उतारनी पड़ेगी. दिस इज द लिप प्लम्पर, तो ये है सीयर सीक्रेट्स का लिप प्लम्पर. तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है. आई लव द पैकेजिंग, ये काफी ज्यादा ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. एंड ऑल्सो आई थिंक दिस इज ऑल नेचुरल. इसके ऊपर ना एक रेड कलर की मिर्ची बनी हुई है. सो दिस इज एक्चुअली लिप प्लम्पर. तो लिप प्लम्पर क्या करता है, वो आपके लिप्स में एक टिंगलिंग सी सेंसेशन क्रिएट करता है जिससे कि आपके लिप्स ना एकदम प्लम्प हो जाते हैं. अच्छा इफेक्ट आता है, फुलर इफेक्ट आता है. जैसे बाय चांस किसी के पतले लिप्स होते हैं, अनइवन लिप्स होते हैं, किसी का ऊपर वाला मोटा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, ऊपर वाला मोटा होता है, तो क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आपका नीचे वाला छोटा है तो आप नीचे वाले पे अप्लाई कर लो, वो बैलेंस हो जाता है. टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे लिप प्लम्पर्स ट्राई करे हुए हैं, आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो देखते हैं कि ये वाला वर्क करता है नहीं करता. ऑलराइट, मैंने लिपस्टिक हटा ली, लेट्स ट्राई आउट दिस लिप प्लम्पर. आई एम जस्ट गोना स्कूप इट लाइक दिस. इस तरीके से मैंने इतना ले लिया अपने फिंगर पे. It doesn't smell nice, guys. It smells very bad. के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके लिप्स को प्लम्प तो करेगा ही करेगा, ऑल्सो हाइड्रेट भी करेगा. इंस्टेंटली इससे मुझे कूलिंग सेंसेशन देनी शुरू करती है. मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है, बट जो लिप प्लम्पर होता है वो एक्चुअली स्टिंगिंग सेंसेशन देता है रादर देन कूलिंग. सच्ची बताऊं, अगर लिप प्लम्पिंग को साइड पर रखे, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस एज योर लिप बाम क्योंकि आई कैन फील इट बहुत ज्यादा नरिशिंग और हाइड्रेटिंग सा है. ऑल्सो इसने मेरे लिप्स को भी काफी नेचुरल पिंक सा बना दिया, तो ये टिंट भी काफी अच्छा है. एंड नाउ आई कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन, हल्का हल्का सा टिंगल कर रहा है अभी. सो नाउ आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड्स मोर एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली कैसा है. दिस इज हाउ माई लिप्स लुक्स लाइक नाउ. टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बताऊं, बहुत ही ज्यादा माइल्ड सी सेंसेशन देता है. सो अगर आप न्यू हो, अगर आप बिगनर हो ना लिप प्लम्पर्स में, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है क्योंकि यूजुअली अच्छे लिप प्लम्पर्स 1000 से तो ऊपर ही आते हैं. हाँ, ये 315 रुपीज का है. डेफिनेटली ट्राई दिस आउट गाइस, ये बहुत ही अच्छा है. ऑल्सो इसने मुझे बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का टिंट दिया विच इज लुकिंग सुपर प्रिटी. ओके, आई एम गोना रिमूव दिस लिप प्लम्पर क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट भी लिप्स का ही है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. तो ये लिपस्टिक टाइप की शेप में है. एक्चुअली व्हाट इट इज कि ये ना लिप स्टेन है. सो यू आर सपोज टू अप्लाई इट एंड ये जो लिप स्टेन है ना ये एक्चुअली 8-9 hours तक आपके लिप्स के ऊपर रहने वाला है. सो दिस इज ऑफ दी पैकेजिंग. आई रियली लाइक दी पैकेजिंग ऑफ इट. ये बिल्कुल ऐसे सिल्वर कलर की पैकेजिंग है. इट लुक्स वेरी नाइस एंड लग्जूरियस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बिल्कुल जेली वाली फील दे रही है एंड आई जस्ट वांट टू बाइट.
चेक मारने का दिल कर रहा है मेरा, बट आई एम नॉट गोना डू दैट, आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस अच्छे डिसेंट बच्चों की तरह. सो ये क्या करने वाला है, ये आपके लिप्स को पिंक बनाएगा, विच इट ऑलरेडी डिड, इसने ऑलरेडी मेरे लिप्स को पिंक बना दिया है. दिस इज वेरी नरिशिंग, बहुत ज्यादा नरिशिंग भी है. ये जो स्टेन है ना, ये बॉडी हीट के साथ ना और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा डार्क होता जाता है. ये ऐसी वियर्ड आइटम है ना जो कि एक्चुअली आपके काम आएगी, एंड ये आप कॉलेज में अप्लाई करो, स्कूल में अप्लाई करो, या ऐसे ही कहीं जाना है, मार्केट जाना है, वैसे ही अप्लाई कर लो. सो इट विल स्टे ऑन योर लिप्स, इट विल लुक नेचुरल, इट विल गिव यू अ नाइस पिंक कलर. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा ये वियर्ड सी चीजें देखने में. मैंने वियर्ड तो ऑर्डर करी थी, बट मैंने एक्चुअली ऐसी चीजें ऑर्डर करी थी जो कि काम भी आए. अपार्ट फ्रॉम दिस ये मुझे बिल्कुल भी ऐसे वेस्ट सा लगा. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा. अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज, मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर रहे हो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.